वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल की चार पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर वन क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रेजेंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट फ्राम एनी डोनर, कोई भी डोनर इनको इलेक्ट्रॉन पेयर दे तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। दे आर आल्सो बिहेव एज अ लिवस एसिड, लिवस एसिड भी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। यहाँ तक समझ आ गए सभी स्टूडेंट्स को? ये उसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट थी आइडेंटिफिकेशन, कि कैसे आइडेंटिफाई करना आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखिए, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, या फिर उसके पास पी और डी ऑर्बिटल जो है इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, वो ऑर्बिटल क्या होगा, वेकेंट होगा। पी ऑर्बिटल भी वेकेंट हो तो भी वो चीज़ इलेक्ट्रोफाइल होगी, अगर डी ऑर्बिटल वेकेंट है तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। तो यहाँ पर हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है जी। पहले नंबर पर जो टाइप आती है उसमें टाइप वन में आते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, कि वो वाले इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी एग्जांपल लिखी, ये वाली सारी सारी, ये सारे सारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। उसके बाद टाइप टू आती है, वो होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उनका पी ऑर्बिटल वेकेंट होगा या फिर उनका डी ऑर्बिटल वेकेंट होगा। तो वो वाले मॉलिक्यूल जिनका पी ऑर्बिटल वेकेंट है और वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं वो ये वाले हैं। इसी तरह वो वाले मॉलिक्यूल जिनका डी ऑर्बिटल वेकेंट है और वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं तो वो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं। समझ आ गई यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल में भी उसी तरह, दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ हैं। उसके बाद दे आर रिच रेजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच रेजेंट। इलेक्ट्रॉन रिच रेजेंट का मतलब है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू एनी एक्सेप्टर, इनकी यहाँ पर लिखा है कि जी किसी भी एक्सेप्टर को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। दे आर आल्सो बिहेव एज अ लिवस बेस, वो क्या था ऊपर वाला इलेक्ट्रोफाइल, तो वो था लिवस एसिड और ये क्या लिवस बेस। यहाँ तक समझा गया सभी स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या, या तो मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या उसके पास लोन पेयर होंगे, या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, या फिर सॉरी या उसके पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर चीज़ एक्ट कर सकती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे। टाइप वन में अगर देखा जाए तो वो वाले जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, उसमें ऑल एनाइंस, जितने भी एनाइंस होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप टू में, आता है हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल में कौन से आते, कहते हैं कंपाउंड्स विद एटम हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर, वो वाले कंपाउंड जिनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होगा वो क्या होंगे, हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो ये सारी सारी उनकी एग्जांपल हैं, जिसमें वाटर आता है, वाटर भी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसके पास लोन पेयर होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कहता है कंपाउंड्स विद द एटम हैविंग पाई बॉन्ड, अगर तो पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कब होता है, जब डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है एल्कीन में, और यहाँ पर एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे के हमारे पास ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पाई बॉन्ड होता है और जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं। टाइप थ्री में आता है हमारे पास ऑल ऑर्गेनो कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स जिनमें ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है और साथ में एक मेटल अटैच होती है, जैसा ग्रिग्ना रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें अल्काइल पार्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक पार्ट है और मैग्नीशियम मेटल है, साथ में हैलाइड अटैच होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एग्जांपल नज़र आ रही है ये सारे किस में आते हैं, टाइप थ्री में आते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं ये भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गई कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है और हम किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल केमिस्ट्री एकेडमी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।